वेलकम टू ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS वीडियो ट्यूटोरियल। टुडे अगेन वी आर रेडी विद अ सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस टू प्ले रैपिड फायर राउंड। इट्स लिटिल डिफरेंट टुडे। अर्लियर वी वर नॉट डिस्कसिंग or we were not doing explanation of the questions. We were simply giving the answers since we were playing the rapid fire round. But with the suggestions of many people, we have included the explanation part to it और हम लोग आज से इसमें explanation भी देंगे, लेकिन वो समय जो आपको मिलेगा वो 5 सेकेंड का ही मिलेगा। 5 सेकेंड में ही आपको आंसर देना है हर एक क्वेश्चन का। एक चीज और ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यदि किसी कारण से आप 5 सेकेंड में नहीं दे पाते हैं सवाल का जवाब, तो परेशान मत होइए। आप वीडियो को होल्ड पे डाल दीजिए, पॉज कर दीजिए, फिर सोच लीजिए और फिर राइट आंसर के साथ उसे मैच कर लीजिए। लेकिन आपको इससे एग्जामिनेशन में काम नहीं चलेगा। एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो रैपिड फायर राउंड में वी हैव थॉट ऑफ ओनली गिविंग यू 5 सेकेंड्स टू आंसर ईच क्वेश्चंस। सो नाउ लुक एट द क्वेश्चंस गिवन टू यू फॉर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, वो क्या क्वेश्चन दिया गया था, तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो है मशहूर गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया था, थैंक यू वेरी मच। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रैपिड फायर राउंड टुडे। 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, ये कहलाते हैं आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोटॉप या फिर आइसोबार। तो दोस्तों राइट आंसर इज आइसोटॉप। हम लोग देखेंगे कि ये आइसोहाइट क्या होता है। आइसोहाइट होता है, आइसो का मतलब होता है समान, आइसो का मतलब होता है समान, समान मतलब इक्वल। जब 2 इक्वल हाइट वाले प्लेस को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, आइसोहाइट कहते हैं, उसे आइसोहाइट कहते हैं। और जो 2 समान ताप वाले जगहों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। 2 समान एटॉमिक नंबर वाले तत्वों को आइसोटॉप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इक्वल एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो होता है वो समान होता है आइसोटॉप के केस में, जबकि आइसोबार के केस में क्या होता है, एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। कोई अंतर नहीं, 1 घंटा, 2 घंटा या 15 घंटा। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा। अब दोस्तों हम देखते हैं इसे कि कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। जब देशांतर आपको समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वी की जो पृथ्वी यदि गोल है, ये ऊपर क्या है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो नॉर्थ और साउथ को जो रेखाएं मिलाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। और जब 1 डिग्री देशांतर में अंतर होता है, तो जब 1 डिग्री देशांतर में 1 डिग्री देशांतर में जब अंतर होता है तो वो 4 मिनट के बराबर होता है। कितना होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री देशांतर मतलब 4 मिनट में अंतर होता है। तो अगर 15 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा, 15 × 4 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट मतलब कितना, 1 घंटा। ठीक है, तो ये एक घंटा हो गया, तो आंसर हो गया एक घंटा। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण, पहले हम लोग इसका जवाब देख लेते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। दोस्तों इससे एक दूसरा सवाल भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होता है ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ठीक है, तो दोस्तों ये जो ऑक्सीजन आता है ये जल के टूटने से होता है। ये जब जल कहाँ, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब सनलाइट होता है तो ये किस में टूट जाता है? ऑक्सीजन और 2H+ आयन में टूटता है। तो ये ऑक्सीजन जो मुक्त होता है ये जल से मुक्त होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा भी सवाल पूछ दिया जाए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होता है या जो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो ये ऑक्सीजन जो आता है ये जल के टूटने से आता है। जल कैसे टूटता है? सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल टूटकर ऑक्सीजन देता है और 2H+ आयन रिलीज करता है, जो कि आगे किसके साथ, CO2 के साथ, CO2 जो है, जो कि डार्क रिएक्शन में 2H+ आयन देके यहाँ पे क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है, C6H12O6 बनाता है, जिसे स्टार्च या ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो ये डार्क रिएक्शन में होता है, डार्क रिएक्शन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए कि दो रिएक्शन होते हैं। एक को लाइट रिएक्शन कहते हैं जिसमें जल टूटकर ऑक्सीजन और 2H+ आयन देता है, और दूसरा जो डार्क रिएक्शन होता है जो कि जिसमें सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो लाइट रिएक्शन के दौरान जो 2H+ आयन रिलीज होता है वो CO2 के साथ मिलकर स्टार्च बनाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी कि ग्लूकोज बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं चौथा नंबर सवाल। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? वह अंग कौन सा है? पेनक्रियास, लीवर, हृदय या फेफड़ा। तो डायबिटीज बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह है, अब देखिए, डायबिटीज बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह कौन सा अंग है? ऐसे तो देखिए डायबिटीज से शरीर में सारे अंग प्रभावित होते हैं, लेकिन किस अंग के प्रभावित होने से डायबिटीज बीमारी होती है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये सवाल का मतलब ये है कि किस अंग के प्रभावित होने से डायबिटीज बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पेनक्रियाज। तो दोस्तों ये पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं, जो कि अमाशय के नीचे होता है और ये ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है इसे। ठीक है, यहाँ पे अमाशय होता है, याद रखेंगे आप लोग, देखिए ये अमाशय होता है इसे। ठीक है, अमाशय, यहाँ पे फिर लीवर होता है, ऐसे लीवर जुड़ा रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज कहते हैं। तो पेनक्रियाज जो है, ये पेनक्रियाज क्या कहलाता है? ये से मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इसमें दोनों ही पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है ये, ठीक है, जिससे कि एंजाइम निकलता है, और दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जिससे कि क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन निकलता है इसका? इंडोक्राइन पार्ट, इंडोक्राइन पार्ट से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। और इस इंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं? आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ठीक है, इसे आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो पेनक्रियाज का जो पार्ट क्या इंसुलिन सीक्रेट करता है, जो कि शुगर को पचाने, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के कार्य में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर इंसुलिन नहीं निकलता है तभी डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि शुगर डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। ये आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ होता है? इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज से निकलता है। यानी कि पेनक्रियाज ही ऐसा अंग है जो कि क्या निकालता है? इंसुलिन निकालता है, जो कि शुगर को पचाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो अगर पेनक्रियाज यानी कि पेनक्रियाज का वो पार्ट जो इंडोक्राइन है, जिसे आइजलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, वो इंसुलिन निकालना छोड़ देता है या पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं निकालता है, तो ये बीमारी होती है जिसे क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज यानी कि शुगर पचता नहीं है और ये शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है, तो बीमारी का नाम होता है डायबिटीज, जिसे डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। त्वरित चालक की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर आइंस्टाइन। तो राइट आंसर इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। Now look at question number 6। मैनोमीटर यंत्र उपयोग इनमें से किसे नापने में होता है? देखिए, गैस का दाब, ध्वनि का वेग, वायुमंडलीय नमी या द्रवों का घनत्व। तो दोस्तों राइट आंसर इज क्या है? गैसों का दाब। गैसों के दाब के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्वनि का वेग तो ऐसे आपको मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मापा जाता है या किलोमीटर प्रति घंटा के नाप से नाप सकते हैं, जो कि ये क्या है? वेग है। लेकिन एक होता है जिसे मैक मीटर कहते हैं, मैक मीटर होता है, जो कि पायलट्स वगैरह यूज करते हैं। ये रेशियो होता है, ये मैक मीटर से जो देखा जाता है ये एक रेशियो होता है, यानी कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एयर बाय और स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ एयर और स्पीड ऑफ साउंड के रेशियो को बताता है, उसे क्या कहते हैं? मैक मीटर कहते हैं, जो ध्वनि के वेग को का मापता है। वायुमंडलीय नमी जो होती है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से को क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय नमी मापी जाती है। जबकि द्रवों का घनत्व जो है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो याद रखेंगे, मैनोमीटर से क्या मापा आपने? गैस का दाब। ध्वनि का वेग किसे मापा आपने? मैक मीटर या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे मापते हैं आप उससे मापते हैं। वायुमंडलीय नमी हाइग्रोमीटर से मापते हैं, और द्रवों का घनत्व तो कैसे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना, चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चूना, सिलिका, एल्यूमिनिया तथा मैग्नीशिया। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट है, ये पोर्टलैंड सीमेंट कोई खास सीमेंट नहीं है, जो सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसी सीमेंट को हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। जो सबसे पहले जब सीमेंट का आविष्कार हुआ था तो उसमें जो चूना लगता था वो चूना पोर्टलैंड का था, तो इसलिए इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा गया। तो इस पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या होता है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया होता है। अगर चूना की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो चूने से जो दीवार बनता है दीवार में दरार आसानी से आ जाती है। तो उस दरार को भरने के लिए एल्यूमिना की उपयुक्त मात्रा उसमें मिलाई जाती है जो कि दरार बनने नहीं देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पोर्टलैंड सीमेंट या सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिनिया या मैग्नीशिया इस्तेमाल किया जाता है। राइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। वायुमंडल का निम्नतम परत कहलाती है, क्या कहलाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। दोस्तों राइट आंसर इज क्षोभ मंडल। इसका एक्सप्लेनेशन हम अपने पिछले वाले वीडियो में पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हम कर चुके हैं दोस्तों। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो पिछला वाला वीडियो आप जरूर देखें। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए या फिर एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। और दोस्तों जो एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो डायोड वाल्व को एसी को डीसी में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों अब ऐसा सामान्य है कि हमेशा पूछा ही जाता है ये एग्जाम में। ठीक है, तो ये विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। दोस्तों राइट आंसर इज विटामिन ए। विटामिन ए रतौंधी में क्या होता है? रतौंधी में जैसे कम प्रकाश में या जैसे शाम होती है कि हमें दिखना बंद हो जाता है यदि हम रतौंधी से ग्रसित होते हैं, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। जबकि विटामिन बी के कमी से क्या होता है? परनीसियस एनीमिया बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया होता है। ठीक है, परनीसियस एनीमिया होता है किससे? विटामिन बी के कमी से। स्कर्वी हो जाता है किससे? स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। और रिकेट्स होते हैं किसकी कमी से? विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा, इसलिए फिर भी हम इसको लिख दिए कि आप भूले होंगे तो आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर होगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या 35 डिग्री। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 35 डिग्री। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले सवाल में ये बात की चर्चा करी थी कि अगर 1 डिग्री चेंज होता है किसमें? देशांतर में। 1 डिग्री का चेंज होता है देशांतर में तो वो 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो 2 घंटा 20 मिनट की बात कही गई है, इस 2 घंटा 20 मिनट को मिनट में बदल दें तो कितना हो जाएगा? 140 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और इस 140 मिनट को 4 से अगर डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 35 मिनट, 35 डिग्री हो जाएगा। इस 35 डिग्री चेंज अगर होता है तो 2 घंटे 20 मिनट का समय में अंतर होगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा एक तत्व है? माणिक, नीलम, पन्ना या फिर हीरा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हीरा। माणिक, नीलम और पन्ना ये सारे जेम्स हैं, ये तत्व नहीं है। हीरा क्या है? कार्बन है, कार्बन का और अपरूप कहते हैं, ये तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, का अपघटन मानव शरीर में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। अल्जाइमर रोग का, अल्जाइमर एक रोग का नाम है, तो अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो ये कहाँ अपघटन होता है? वृक्क कोशिकाओं का अपघटन होता है, या फिर तंत्रिका कोशिकाओं का अपघटन होता है, या फिर मस्तिष्क कोशिकाओं का अपघटन होता है, या फिर यकृत की कोशिकाओं का अपघटन होता है। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क कोशिकाओं का। दोस्तों जिस जिसको ये अल्जाइमर डिजीज होता है उसकी याददाश्त एकदम चली जाती है और वो हमेशा ऑलमोस्ट क्या होते हैं न, वो किसी को पहचान नहीं पाते हैं या फिर उन्हें कोई भी चीज़ याद नहीं रहती है, या फिर नई चीज़ें देखते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं। डिमेंशिया भी हो जाता है उन्हें, डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, और रिकॉल भी नहीं होता उन्हें। ठीक है, तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो उस वो तीव्रता का वो मान जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, इनऑडिबल हो जाता है। तो ये कितना, 50 या फिर 70 या फिर 85 या 95? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 70 डेसिबल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? 0 डिग्री ग्रीनविच, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, या फिर 270 डिग्री ग्रीनविच? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री देशांतर। दोस्तों देशांतर ये दोनों, ग्रीनविच जो है ये 0 डिग्री देशांतर होता है जो कि टाइम के बारे में बताता है। टाइम यहाँ पे इसे 0 डिग्री क्या कहते हैं, ग्रीनविच है, जो कि लंदन जैसे शहर में कोई ग्रीनविच जगह है, ठीक है, वहां से होकर गुजरती है। जबकि ये 180 डिग्री देशांतर है, ये पैसिफिक ओशन होके गुजरती है। कहाँ से? पैसिफिक ओशन होके गुजरती है, जहां जिसको क्रॉस करने से डेट चेंज हो जाता है। क्या होता है? डेट चेंज होता है। ठीक है, समझ गए? तो ये कहाँ से होगा, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ये हो गया देशांतर, ये क्या हो गया, देशांतर है। तो ये देशांतर एक रेखा जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, सॉरी ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो आता है, ये जो काल्पनिक रेखा है, तो यहाँ से 180 डिग्री घूम के आप सीधे अपोजिट जब चले जाते हैं तो उसके पीछे वाला पार्ट क्या हो जाता है, वो 180 डिग्री क्या कहलाएगा, देशांतर, जो कि पैसिफिक ओशन होके गुजरता। जबकि आप ये जो 0 डिग्री देशांतर होता है, ये ग्रीनविच शहर होके गुजरता है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर होके गुजरता है, और ये 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ से होके गुजरता है, ये अटलांटिक ओशन होके गुजरता है। कहाँ से? अटलांटिक ओशन होके गुजरता है। नहीं तो अगर आप, टू बी वेरी प्रिसाइज, इफ यू वांट टू टेल, इट इज गल्फ ऑफ गिनी होके गुजरता। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी, तो गल्फ ऑफ गिनी कहें या फिर अटलांटिक, तो बहुत ज़्यादा सर ये उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक भी होता है, लेकिन जब 0 डिग्री, जहाँ पे 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश मिलता है, वो जगह जो है वो क्या है, गल्फ ऑफ गिनी है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, फीमर, कशेरुक, कपाल हड्डी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फीमर। ये स्टेपिस जो है ये कौन सा है, ये स्मॉलेस्ट बोन है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट बोन है। ये ईयर ऑसिकल्स में होता है, जो कहां पे होता है, ये ईयर में होता है, कान में होता है, इसे ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये ईयर ऑसिकल्स होता है। ठीक है, स्टेपिस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन फसल सहायक है? चावल, गेहूं, बीन्स, मकई। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बीन्स। इसे लेग्यूम्स भी कहते हैं। ये सारे क्या होते हैं, इनके जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, जितने भी दलहन होते हैं, दलहन के जड़ों में भी क्या होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इज सी बीन्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? हैजा, टिटनेस, पोलियो या गोनोरिया। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पोलियो। तो हैजा, टिटनेस और गोनोरिया ये सारे जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं। कौन? ये तीनों। जबकि पोलियो जो होता है ये पोलियो वायरस से होता है। किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है, जो विषाणु से, वायरस मतलब विषाणु होता है, जिसे विषाणु से होने वाला बीमारी है। क्या है? पोलियो। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ट्यूकोमिया, ल्यूकोमिया, फ्यूकोमिया या ग्लूकोमिया। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोमिया। दोस्तों जब कैंसर होता है तो ये अस्थि मज्जा के ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है, जहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है और WBC काउंट बहुत बढ़ जाता है। जब WBC काउंट अनकंट्रोल्ड रूप से ग्रो करने लगता है, बढ़ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया कहते हैं, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स के में होने वाले कैंसर का लक्षण होता है। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। नाभिकीय विखंडन में ट्रियर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर प्रोटॉन। दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब कोई जब किसी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस विखंडित होता है तो उससे एनर्जी मुक्त होती है। तो जो विखंडन से जो एनर्जी मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। चींटी के कितने पैर होते हैं? 6, 4, 8 या फिर 2। दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 6। दोस्तों ये चींटी जो है ये आर्थ्रोपोडा में आती है। किसमें? आर्थ्रो, ये इंसेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये चींटी? किसमें है? इंसेक्ट में। इंसेक्ट को हेक्सापोड्स भी बोलते हैं। हेक्सापोड्स, हेक्सापोड्स का मतलब 6 पैरों वाला। पोड मने पैर, हेक्सा मने 6। 6 पैरों वाले होते हैं। तो जितने भी हेक्सा ये और इंसेक्ट्स होते हैं उनमें 6 लेग्स होते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? एरिस्टोटल, कॉपरनिकस, स्ट्रैबो या इनमें से कोई नहीं। The right answer is option number B, Copernicus. Now look at question number 22. एस्फाल्ट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? यूरेनियम, पेट्रोल, कोयला या फिर तार। दोस्तों right answer is option number C, कोयला। Now look at question number 23. मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, स्प्लीन में, यकृत में या फिर अस्थि मज्जा में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। पेसमेकर का संबंध है किडनी से, मस्तिष्क से, फेफड़ा से या फिर दिल से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दिल से। दोस्तों ये पेसमेकर जो होता है ये हृदय में जो धड़कन होती है, ठीक है, ये हृदय में धड़कन होती है, तो धड़कन को जनरेट करने के लिए ये यहाँ पे ऐसे नोड होता है जिसको कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, इसे कहते हैं एसओ नोड। ये ऐसे नोड जो होता है ये पेसमेकर की तरह काम करता है। जब किसी कारण से ये इनएक्टिव हो जाता है या फिर ये जितना इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करना चाहिए जो हार्ट बीट को पैदा करने के लिए उतना नहीं कर पाता है, तो एक अलग से लिथियम बैटरी वाली पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर, ठीक है, एक पेसमेकर लगाया जाता है, ठीक है। और ये पेसमेकर की एकदम पतला सा जो इलेक्ट्रोड होता है वो यहाँ पे ऐसे नोड के पास आके उसे रखा जाता है तार से, ताकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट कर सके और अल्टीमेटली क्या हो, हार्ट बीट होता रहे, ठीक है, हार्ट बीट होता रहे, ठीक है। तो पेसमेकर कहाँ लगाया जाता है, ये दिल से संबंधित है, दिल में धड़कन यानी कि बीट्स को पैदा करने के लिए होता है। Now look at question number 25, the last question of today's rapid fire round. बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो सोडा होता है जो कपड़े धोने में लिए इस डिटर्जेंट में इस्तेमाल किया जाता है उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और जो खावा सोडा यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है उसे क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो दोस्तों अब ये वक्त आ गया है कि जब हम आपको आज एक सवाल छोड़ जाएं आपके नाम, और आप उस सवाल का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आपको कोई डाउट हो तो डाउट या अपना फीडबैक इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम इस सवाल का जवाब अपने आने वाले कल के वीडियो में जरूर देंगे। तब तक आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए और जैसे ही मिले आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आपके लिए जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त जानवर यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? छिपकली, मेढक, मछली या उपर्युक्त सभी। दोस्तों याद रखें क्या सवाल है, शीत रक्त जानवर यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से हैं, ठीक है दोस्त। मैं इसका एग्जैक्ट बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कल आपको। तब तक आप हमारा वीडियो देखते रहें। यदि आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारा वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। Thank you very much. Thanks a lot for watching my video. Thanks a lot once again.